हम बात कर रहे हैं सेंट्रम कैपिटल की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल छोटा मोटा अपसाइड स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। हम साइडवेज भी कह सकते हैं। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है हमको 38.90 रुपीज़ पर फिलहाल ट्रेड करता नज़र आ रहा है। रिजेक्शन के बाद गिरावट आई थी, आपको याद होगा हमने 38.40 के लेवल को सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था। और स्टॉक बाउंस बैक होता है तो 40 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, ऐसा हमने डिस्कस किया था। 38 के सपोर्ट पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, जम दिखाया, 40 का लेवल यहां से रिजेक्शन फेस करके गिरावट आई, तो इस गिरावट के साथ अपने इस सपोर्ट को स्टॉक ने ब्रेक डाउन नहीं किया, इसी सपोर्ट पर काम करता नज़र आ रहा है। इम्पॉर्टेंट है सेंट्रम कैपिटल के लिए 38 के ऊपर ही सस्टेन होना। अगर इसको ब्रेक डाउन दे गया तो फिर वैसे कंडीशन में 34 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है, इसलिए अब ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा। स्टॉक बाउंस बैक दिखाता है तो जैसे हम देख सकते हैं 40 के लेवल पर स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है, अपना पहला टारगेट रहेगा। अगर इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 48 का लेवल, जहां से स्टॉक ने 3-4 दफ़ा रिजेक्शन दिखाया है। अगर 48 के लेवल को ब्रेकआउट करके सेंट्रम कैपिटल सस्टेन हो गया इसके ऊपर, तो फिर वैसी कंडीशन में यहां से क्लियर कट हमारे लिए अब ट्रेंड का सिग्नल रहेगा, फिर और तेज़ी यहां से हमको बताता नज़र आ सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट 44 का लेवल, इसको ब्रेकआउट कर गया तो 47, 40 और 50 तक का भी जम सेंट्रम कैपिटल में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा। क्योंकि देख सकते हैं स्टॉक ने जम के बाद रिजेक्शन लिया है, अगेन जम के बाद अगर रिजेक्शन लेकर लो ब्रेक डाउन कर जाता है तो 34 तक की गिरावट दिखा सकता है। इसीलिए बाउंस बैक के साथ इसको 42 का लेवल ब्रेकआउट करने देते, फिर उसके बाद ही हमारे लिए सिग्नल रहेगा, कन्फर्मेशन रहेगा अप ट्रेंड का। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।